सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, रात में सोते समय तो इतना ठंडा मौसम नहीं था, लेकिन 3-4 बजे से बहुत ज़्यादा कूल मौसम हो गया और यहाँ ठंडक सी लगने लगी। सो आज से हम अपनी चारपाई करेंगे रूम के अंदर और अब वहीं सोएंगे। अभी तक हम यहाँ बरामदे में सोते थे, लेकिन आज से चारपाई करेंगे अपने रूम में। सो वहीं पर सोया जाएगा, बिकॉज यार अब ज़्यादा ठंडा होने लगा मौसम। और गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो चलो अब उठते हैं बिस्तर से। सो गाइज, अभी ब्रश वगैरह हो गया है और अब पीते हैं चाय। गाइज, आज सुबह धूप हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज रात में बहुत ज़्यादा ठंडा था। और गाइज, ये देख सकते हैं पीछे मेरा धान सूख रहा है जो थ्रेसर की मदद से दाया गया था। तो चलो पीते हैं अभी चाय यहीं छत पे। गाइज, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह धूप और गर्मा गर्म चाय, मज़ा आ जाता है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 11 और हमारा लंच वगैरह हो गया है, और अभी हमें जाना है मार्केट, थोड़ा खाद वगैरह लाना है, बिकॉज कल आलू की बुआई होगी। खेत में पहले से ही कंपोस्ट खाद पड़ गया है, बट थोड़ा सा डाई वाला खाद पड़ता है, तो वो अभी नहीं है घर पे, इसी वजह से जाना पड़ रहा है लेने। तो चलो अभी चलते हैं मार्केट। गाइज, हमारे यहाँ नवरात्रि और दिवाली के बाद यहीं पे मूर्ति विसर्जन होता है, यही वो तालाब है जहाँ पे मूर्ति विसर्जन की जाती है। और गाइज, ये जो ब्रिज है अभी जस्ट कुछ दिनों पहले बनके तैयार हुआ है। इसके पहले ये लकड़ी का ब्रिज था जो कि बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया था, उसके बाद इसे कुछ इस तरह से बनाया गया। सो गाइज, अभी हम मार्केट में आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कुछ दूरी पे हमारी शॉप है जहाँ पे हमें पूरा सामान लेना है। सो चलो वहाँ पे चलते हैं। सो गाइज, अभी हमारा मार्केट वगैरह सब हो गया है, जो कुछ भी हमें लेना था सब ले चुके, अब चलते हैं घर। तो गाइज, अभी मार्केट से घर आ गए हैं, जाना था सिर्फ खाद लेने, लेकिन हम चले गए मेन वाले मार्केट पे और सामान ज़्यादा ले आए, जो कुछ भी छोटा मोटा ज़रूरत का सामान था सभी हम लेके चले आए। सो दिवाली और धनतेरस पास आ रहा है, तो घरों की सफाई चल रही है, जो दूसरा वाला घर था उसकी सफाई कल हो गई है पूरा, और यहाँ की अभी बची हुई है, तो इसको भी साफ़ सफाई पूरा करना है। लेकिन उससे पहले अभी हमें जाना है एक और काम करने, जिसके लिए हमें नेपाल वाले रूट पर जाना है नॉर्थ साइड। सो चलो वहाँ मेल पे कुछ काम है उसको करते हैं, और आज ही हमें हेयर कट भी करवाना है और शेविंग भी करवानी है, तो चलो ये सब करवा के फिर आते हैं। सो गाइज, फाइनली अभी आ गए हैं घर और नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, और हमारा हेयर कट और शेविंग वगैरह भी हो गया है कंप्लीट। और यार गाइज, आज मील पे इतना ज़्यादा भीड़ था फेस्टिवल की वजह से कि पूछो मत यार, शाम हो गई थी, पूरे 2 से 2.5 घंटे हमें वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, फिर जाके हमारा काम हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के आए, रास्ते में हेयर कट करवाए और शेविंग करवाए, फिर वहाँ से घर आए। गाइज, घर आते आते रात हो गई थी यार, फिर आए अभी नहा धो के यही फ्रेश हुए हैं, अब जाके थोड़ा शांति मिली है। आज पूरा दिन दौड़ना भागना ही ऐसे करके चला सब, और फेस्टिवल की वजह से बहुत सारा काम था उसको भी हमने सब कंप्लीट किया। अभी कल और काम है, यहाँ वाला घर जो है इसको भी हमें साफ़ करना है, 2-3 कमरे हैं उसको साफ़ करना, और ये अपना वाला रूम जो है इसको भी अच्छे से साफ़ करना है, तो ये वाली काम कल होगी। और गए जिस मेल पे हम जाने के लिए निकले थे वहाँ पे नहीं गए, बिकॉज वहाँ पे सरसों मशीन एक ही था, इसी वजह से हम दूसरे जगह गए, और वहाँ पे 2-2 मशीनें थी वो भी बड़ी वाली, फिर भी गाइज इतना भीड़ था जिसकी वजह से हमें लेट हो गया आने में। सो कोई नहीं, काम तो अपना हो गया, फेस्टिवल की वजह से इतना सारा भीड़ था, फिर भी अपना काम हुआ और सब काम फाइनल करके हम फाइनली घर
आ गए। सो गए, जब भी बज रहे हैं शाम के 5:30, और आज शाम को हम कुछ भी नहीं खाए थे, बिकॉज यार टाइम भी नहीं मिला था। तो अभी हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, तो चलो कुछ खाते हैं। सो गए, हमारे लिए दही और रोटी रखा था, तो उसे हमने खा लिया। अब डिनर करेंगे रात में 10 बजे के बाद। सो गए, जब भी हमारा डिनर वगैरह हो गया है, और हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल खेत में कुछ काम है। और अभी हमारी वीडियो भी आधी एडिटिंग हो पाई है, तो अभी हमें वीडियो को एडिट भी करना है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। अभी वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है, नींद भी आ रही है। चलो पहले वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद।